आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली आर्ट INM में। यहाँ पे लगा हुआ है दिवाली मेला, जिसकी डिटेल्स, लोकेशन एंड एंट्री टिकट की प्राइसेस वगैरह सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस, जब मैं मेट्रो से यहाँ से बाहर निकली थी ना INM मेट्रो स्टेशन से, तब भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत सारे स्टॉल्स है। इवन एक स्टॉल मेरे को बहुत अच्छा लगा था, जो यहाँ पे शेल्स एक अंकल बेच रहे थे, शेल्स की वॉल हैंगिंग है, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बीट्स वाली आंटी भी है, जो हेयर्स में आप बीट्स देखते हैं वो भी लगा रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, हम लोग साथ में चलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल एंड। अभी मैं जा रही हूँ अंदर। कुछ टाइम पहले मैं सरोजनी में थी एंड सरोजनी से मैंने ऑटो लिया फॉर 40 रुपीज़ एंड मैं पहुंच गई INM दिल्ली हार्ट। एंड यहाँ पे आपको 40-50 में आराम से ऑटो मिल जाता है, गेट नंबर 5 है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप वहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। आप जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रीट शॉपर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। गाइज, इन अंकल के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स है एंड मैंने लाइफ इज़ अ जर्नी वाला कोट अपने लिए भी लिया है। काफ़ी अच्छे कोट्स थे यहाँ पे, 40-50 रुपीज़ में ये सिंगल पोस्टर सेल कर रहे थे। एंड ये आंटी जो जूट बैग सेल करी थी, एंड यहाँ पे बुक्स का भी एक छोटा सा मिनी स्टोर था जहाँ से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स खरीद सकते हैं। किस रेंज की है? कितने प्राइस की है? सबका अलग अलग प्राइस है क्या? ये गमले हैं क्या, फ्लावर पॉट टाइप है? और ये क्या है? पेन होल्डर है क्या? मिट्टी का है क्या? मिट्टी का है ये? पेपर में से है, न्यूज पेपर मुल्तानी मिट्टी में की बॉर्डर से बने हैं, हाथ से पेंटिंग है, हैंड वर्क है। न्यूज पेपर वगैरह का बना हुआ है? हाथ से बने हैं, हाथ से पेंट हुआ है, मिथिला पेंटिंग, बिहार मधुबनी पेंटिंग है। तो आंटी है छोटी है वैसे। बाहर से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे एंड यहाँ पे इयर रिंग्स का कलेक्शन भी बहुत सुंदर था, बहुत अलग टाइप की चीज़ें और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो दिवाली की शॉपिंग भी यहाँ पे अच्छे से चल रही थी एंड इन्हीं अंकल के स्टोर की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, इनके पास बहुत सुंदर शेल्स के वॉल हैंगिंग है गाइस। थोड़ी देर अंकल से बात करने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे जितने भी ये पीसीज हैं, जितने भी वॉल हैंगिंग्स हैं, इन अंकल ने खुद से बनाया है। यानी काफ़ी हार्ड वर्किंग, मतलब बहुत मेहनत लगती है गाइस, मतलब इन सब चीज़ों को बनाने में। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टोर नहीं था जिसको मैं मिस आउट करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पे हर एक स्टोर पे एक यूनिक कलेक्शन था। इवन अभी माला जो देख रहे हैं हम लोग, ईजिली ब्रांडेड शॉप्स पर जाके ख़रीदते हैं, वो भी यहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल थी। सो गाइज, अब बात करते हैं लोकेशन की, तो ये दिल्ली आर्ट INM पे है एंड यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी INM ही है, जहाँ से आप आ सकते हैं। पिंक लाइन पे मैं आई थी। यहाँ की टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इंडियन सिटीज़न की टिकट 30 रुपीज़ की है एंड फॉरनर्स की यहाँ पे टिकट 100 रुपीज़ की है। टाइमिंग्स की बात करें तो टाइमिंग यहाँ से 9 से 10 के बीच में मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है एंड इन नाइट ये 9 से 10 के बीच में आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर डेकोरेट करा गया था गाइस एंड यहाँ पे अभी जो लगा हुआ है वो है दिवाली मेला, दिवाली दिवस भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे अलग अलग स्टेट के फूड स्टॉल भी आपको अंदर देखने को मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। ये दिवाली मेला 23 अक्टूबर तक है। यहाँ एंट्री करते ही शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो आप सूट्स वगैरह का कलेक्शन देख रहे हैं वो 1500+ से मिल जाएगा, सब कुछ ओरिजिनल फैब्रिक से है, प्योर कह सकते हैं आप इनको। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे, जैकेट्स यहाँ पे 450-500 से है, कारपेट्स आपको 2000+ से स्टार्ट होते हुए देखेंगे, बहुत यूनिक डिज़ाइंस थे, काफ़ी लोग ख़रीद भी रहे थे, बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको अंदर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये जो बैग्स आप देख रहे हैं हैंडमेड बैग्स, ये 450-500 की रेंज में थे। माला आप देख रहे हैं, माला लोग 500 रुपीज़ में प्लस में ही आपको देखेंगी, बहुत सारे रेंज है यहाँ पे। ब्रास के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, 2000+ थे। बैंगल्स आपको यहाँ पे सस्ते में मिल जाएंगे काफ़ी सारे।
गाइस यहाँ पे आपको पश्मीना शॉल की भी काफ़ी वेराइटी देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होती है वो 1500 प्लस में मिक्सिंग वाले फैब्रिक की होती है, प्योर की रेंज आपकी 5000 प्लस में आती है। कार्पेट्स और फुटमैट में बहुत वेराइटी है गाइस। डेकोरेटिव आइटम्स में भी बहुत रेंज है यहाँ पे, मतलब आपको सब कुछ हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे दिख जाएगा। एंड हैंडमेड चीज़ों से बने हुए काफ़ी सामान आपको यहाँ पे दिखेंगे। कुछ सामान की रेंज 50 प्लस है, कुछ 100 प्लस है। एंड डेकोरेटिव आइटम्स जैसे बड़े बड़े जो शोरूम पीसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे 1000 प्लस ही दिखेंगे। ये हाथी जो आप देख रहे हैं ये 200 के थे। यहाँ पे एक स्टोर था बिल्कुल बंजारा मार्केट जैसा, वो भी यहाँ पे मतलब 50-100 की रेंज में आपको मिल रहा था। सूट्स वगैरह की वैरायटी, शॉल की वैरायटी तो यहाँ पे बहुत है गाइस, अनलिमिटेड है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। बैग्स आपके 150-200 से स्टार्ट हो रहे थे। रियल पर्ल्स भी थे गाइस यहाँ पे, मतलब ओरिजिनल सिल्वर की ज्वेलरीज आपको 92.5 वाली कैरेट की वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। फर्नीचर का भी यहाँ पे रियल वुडन जो होता है ओरिजिनल वुड के स्टॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पश्मीना शॉल्स एंड कश्मीरी चीज़ों की आइटम्स आपको यहाँ पे काफ़ी सारी दिख जाएगी। यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट का स्टॉल भी था, जो ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स वहाँ के थे वो ही ये लोग सेल कर रहे थे। मिट्टी के प्रोडक्ट्स जो हैंडमेड बनाए गए थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ये गणेश जी जो आप देख रहे हैं वो 500 प्लस की रेंज में है। सूट्स की वैरायटी यहाँ पे बहुत सारी है। एंड कुछ ट्रेडिशनल में भी काफ़ी हट के चीज़ें जो है वो थी यहाँ पे। बैग्स यहाँ पे 350-450 से स्टार्टेड है। एंड खाने के लिए भी यहाँ पे था कुछ खाने की, तो यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो पहले जैसे मैं घुसी थी मेरे को कुछ दिखा नहीं, तो मैंने यहाँ पे रुक के अपने लिए चुस्की ऑर्डर करी। चुस्की भी बहुत अच्छी थी, 50 रुपीज़ की थी, और कुछ मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा, बट दिखने में और लोग खा रहे थे तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा था। दिवाली की डेकोरेटिव आइटम्स का तो कोई जवाब ही नहीं है गाइस, मतलब सब कुछ एक तो हैंडमेड चीज़ें हैं तो अट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलती है। एक आंटी पूरी जयपुरी स्टाइल में यहाँ पे बेच रही थी अपने प्रोडक्ट्स को, बहुत प्यारे प्यारे। वो हाथी जो राजस्थानी स्टाइल होता है बिल्कुल कठपुतली वाला, बहुत सारी वैरायटी वो यहाँ पे सेल कर रही थी। ये पोस्टर्स थे जो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी रखे गए थे। एंड ये लैम्प्स थे जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब रात को अगर जलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बट लैम्प्स थोड़े से कॉस्टली हैं, 2000 प्लस की रेंज में हैं ये। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस यहाँ पे थे। एंड ऐसे लैम्प्स भी आपको पूरे दिल्ली हाट में बहुत सारे दिख जाएंगे। सो गाइस ये पहला स्टॉल था जो मेरे को देखा, असम फूड स्टॉल। यहाँ पे असामी तरीके से खाना को सर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आगे बढ़े तो मेरे को ये टी लाइट होल्डर्स वगैरह दिखे थे, जो ये दी साथ साथ बना रही थी, उन पर पेंटिंग करी थी। ये टी होल्डर्स भी आपको 150 प्लस रेंज में दिखेंगे। एंड फिर मेरे को भैया दिखे 10 मिनट्स में नेम प्लेट रेडी करके दे रहे थे। हाउ मच दिस कॉस्ट सर? हाउ मच दिस कॉस्ट? 200 150। टी लैम्प यहाँ से 400 प्लस रुपीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर टी लैम्प थे। एक कश्मीरी जूती का स्टॉल भी मेरे को दिखा था, कश्मीरी जूती यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस में आपको अवेलेबल होंगी। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन जूती चप्पल के अवेलेबल थे। फॉरनर्स तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देख के। एंड देर आर फाउंड शी मेड स्टोर, यहाँ पे आपको ओरिजिनल फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स हैंडमेड सब कुछ वो यहाँ पे मिल रहे थे। परफ्यूम्स की भी काफ़ी अच्छी वेराइटी थी। देन आई फाउंड अ पिक फॉर एनी 100 रुपीज़ का स्टोर, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। खाने पीने के भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे हम लोगों को सौंफ, लीची, आम पापड़ ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती है, तो उसका भी बहुत बड़ा स्टॉल यहाँ पे था। एंड यहाँ पे हर वैरायटी और हर स्टेट के प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। उसके बाद मेरे को ये फ्लावर शॉप दिखी थी, यहाँ पे फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर थे गाइस, मतलब मेरे को एक भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। आई ऑल्सो बॉट दैट, वो 50 रुपये का एक डंडी का फ्लावर था। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे गाइस यहाँ पे, और ये एक ही शॉप दिखी थी पूरी दिल्ली हाट में जिसके फ्लावर्स मेरे को अच्छे लगे थे गाइस। यहाँ पे ब्रास की मूर्तियाँ भी अवेलेबल थी, जो कि रेंज स्टार्ट हो रही थी 3000 प्लस से। फिर
मुझे ये नीमवुड कॉम का स्टोर दिखा था एंड यहाँ से मैंने घर के लिए 2 कॉम लिए गाइस। एंड सच में वो जो मतलब मैं इसको स्मेल करके भी देख रही थी ना, तो मेरे को नीम की खुशबू आ रही थी। ये स्टोर तो मिस मत करना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत रीजनेबल प्राइस पे थे, मतलब वर्थ इट प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ में एक हनी स्टोर भी था जहाँ पे प्योर हनी मिल रहा था एंड ये स्टोर का शॉप नंबर मैंने S8 के साथ वाला ही है बिल्कुल। उसके साथ में ही हम लोग आए थे तो यहाँ पे वही मूर्तियाँ दिखी थी मेरे को जो मैंने दिखाई थी एंड ये काफ़ी अच्छे स्टॉल थे। उसके बाद हम लोग आए फूड सेक्शन में, नागालैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, बहुत सारे ऑप्शन, मतलब हर स्टेट का यहाँ पे काउंटर था। बहुत मेरे को काफ़ी यूनिक कंसेप्ट लगा, हर स्टेट का यहाँ पे आपको फ़ूड ट्राई करने को मिल रहा है। एंड जितने भी लोग आ रहे थे अलग अलग स्टेट के फूड स्टॉल में जा रहे थे गाइज़। ये सरोजनी में भी मैंने पूछा था, ये जॉर्जेट वाला पीस सरोजनी में 900 का था, यहाँ पे 700 रुपीज़ का था, तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कितने की है जूतियाँ? 650 की है। और ये वाले? ये है किस लिए भैया? शोपीस 140 सिर्फ शोपीस के लिए। वे कितने तो कितने हैं? How much? इसका? ये prices इनके? इसका? हाँ। 250। और ये जो bags रखे हैं यहाँ पे, जैसे ये वाले bags हैं, ये 40 type की। ये वाला? हाँ जी। ये भी 250 का। पूरे दिल्ली हाट में ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट्स की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये प्लेट्स मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर गई थी देख के। एंड इनका रेंज स्टार्ट हो रहा था 500 प्लस से। पेंटिंग्स भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर थी गाइस, आर्ट डिज़ाइन यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जो नीचे लगा रखे हैं अपने लंबे वाला, ये वॉल हैंगिंग टाइप में ही है क्या? छोटा वाला 500 का है। ये वॉल हैंगिंग है क्या? ये 2000 की है क्या? ये मतलब वॉल हैंगिंग है। फिर इतना महंगा क्यों है ये? मतलब किस चीज़ का बना हुआ है? ब्रास का बना हुआ है। उसके बाद मेरे को दिखा सिक्किम टूरिज्म का बोर्ड जहाँ पे सिक्किम में फूड अवेलेबल था, उसके सामने ही राजस्थानी फूड का भी स्टॉल दिख गया था। नेक्स्ट हमने कवर करा शिलोंग व्यू, जहाँ पे आप पहाड़ी टेस्ट को भी ट्राई कर सकते थे, असामी टेस्ट काइंड ऑफ, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बेस्ट है। उसके बाद हमें देखा कश्मीरी वैली, जहाँ पे आप कश्मीरी फूड ट्राई कर सकते थे। एंड यहाँ पे फिर मेरे को उसके बाहर ही देखे कारपेट्स, जिनके पास बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कारपेट्स थे गाइस। मतलब ये अंकल बहुत अच्छे कारपेट के डिज़ाइन लेकर आए हुए थे एंड इनकी रेंज स्टार्ट हो रही थी 2000 प्लस से। क्या प्राइस है ये वाले? 3500। और वो जो छोटे हाईलाइट वॉल है, वॉल लाइट्स है वहां, टेबल लैंप्स, हां ये वॉल लाइट्स है। 100। सो गाइज फाइनली वी आर एंडिंग दिस वीडियो क्लिप एंड देयर आई फाउंड जूती मेकर इन दी एंड जब हम एग्जिट ले रहे थे। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।